अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट, आज हमारा जो है फोर्थ लेक्चर है, चैप्टर हमारा चल रहा है फर्स्ट। ठीक है जी, एक्सरसाइज है हमारे पास 1.3। तो जो कुछ काम हमने 7th क्लास में भी किया था वेन डायग्राम के लिए, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि जब हम वेन डायग्राम बनाते हैं तो जो यूनिवर्स सेट होता है उसको हमेशा रेक्टेंगुलर शेप में बनाया जाता है, और जो हमारे पास बाकी सेट होते हैं वो सर्कुलर फॉर्म में हम उनको बनाते हैं। ठीक है, तो ये बात। इसके बाद हमने पढ़ा था डिस्जॉइंट सेट क्या होते हैं, ओवरलैपिंग सेट क्या होते हैं, और सबसेट का आज हमने पढ़ा है। ठीक है, तो डिस्जॉइंट सेट क्या होते हैं जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, ओवरलैपिंग क्या होते हैं जिनमें कम अज़ कम एक एलिमेंट कॉमन हो। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो है सबसेट क्या होता है, अगर एक सेट सारे का सारा दूसरे सेट के अंदर मौजूद है, यानी एक सेट ऐसा आपके पास है जिसके तमाम एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट में हैं, या जो एक सेट आपके पास है वो आपके पास उन एलिमेंट्स से मिलकर बना है जो किसी दूसरे सेट के हैं, तो वो उसका क्या होता है सबसेट। तो सबसेट को गिवन सेट के अंदर फिर हम बना देते हैं, यानी अगर बी ए का सबसेट है तो बी को हम ए के अंदर बना देंगे, ड्रा कर देंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपने कॉमोटेटर लॉ फॉर यूनियन एंड फॉर इंटरसेक्शन होल्ड करवाना है वेन डायग्राम्स के थ्रू। तो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है, पहला क्वेश्चन है उसमें एलिमेंट्स थे वो ओवरलैपिंग सेट बनेंगे। ठीक है, तो वह आपके पास ओवरलैपिंग सेट बनेंगे तो आप उनको जो है ओवरलैपिंग की तरह ही बनाएंगे। ओवरलैपिंग के लिए आप क्या करवाएंगे, उनको इस तरह से बना लेंगे इस बॉक्स के अंदर, यूनिवर्सल सेट के अंदर। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो ये है कि आपके पास जो दो सेट हैं उनमें एक सेट नेचुरल नंबर का है और एक जी इंटीजर्स है। तो आपको पता है जो जी होते हैं उनमें प्लस माइनस की सारी वैल्यूज और जीरो भी आ रहा होता है। ठीक है, जीरो और प्लस माइनस दोनों वैल्यूज आ रही होती हैं, लेकिन जो नेचुरल नंबर हैं इसमें जस्ट प्लस वाली वैल्यूज हैं 1 से लेकर अप टू 100। तो इसका मतलब है जो नेचुरल नंबर्स का सेट है वो सारे का सारा कहाँ पे मौजूद है, जी में। तो नेचुरल नंबर्स जो हैं वो जी का क्या है सबसेट है, इसलिए आप नेचुरल नंबर को जी के अंदर ड्रा कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आप जब आप यूनियन के लिए काम करेंगे डायग्राम बेटा सेम ही बननी है, ए एन यूनियन जी के लिए भी और जी यूनियन एन के लिए भी, और एन इंटरसेक्शन जी के लिए और एन जी इंटरसेक्शन जो है एन के लिए जो है सेम डायग्राम्स बनेंगी, क्योंकि एन हमेशा ही क्या रहेगा इस क्वेश्चन के मुताबिक जी का सबसेट रहेगा, इसलिए उसको जी के अंदर ही आपको बनाना पड़ेगा। अब यूनियन के लिए और तरह से शेडिंग होगी और इंटरसेक्शन के लिए और तरह से शेड देंगे हम। तो यूनियन के लिए जब एन और जी का यूनियन लेंगे तो एन और जी देखें दोनों मिल जाएंगे, यूनियन में क्या होता है कंबाइन हो जाते हैं एलिमेंट्स, तो दोनों के दोनों सेट जो हैं हमारे पास उनको हम शेड दे देंगे। इस तरह हमारे पास जो नेक्स्ट है जी और एन का जो है हम ले रहे हैं यूनियन, तो इसमें क्या होगा इसमें भी अगेन जी और एन जो है दोनों कम्बाइन होकर शेड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है फाइनल हमने जो है बेसिकली हमने यहाँ पे इसकी वेन डायग्राम्स के थ्रू शेडिंग करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखें बेटा, इधर एन और जी का हमारे पास क्या ले रहे हैं इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में देखें दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स आएंगे। अब दोनों सेट्स में कॉमन क्या है, एन नेचुरल नंबर्स कॉमन हैं, सिर्फ प्लस वाली वैल्यूज जो हैं वो दोनों सेट्स में हैं, तो वो प्लस वाली वैल्यूज हैं किसकी, वो नेचुरल नंबर के सेट की हैं, तो शेड क्या होगा जस्ट एन शेड होगा। इस तरह जी यूनियन इंटरसेक्शन एन में भी क्या शेड होगा जस्ट एन शेड होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो शेडिंग में आपके पास आंसर आ रहा है वो क्या आएगा सेम आएगा। ठीक है, तो बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि दोनों तरफ शेडिंग सेम ही आती है लेकिन जो आपका आंसर शेडिंग के नीचे जो आपका आंसर होता है वो सेम होता है, आपने उस आंसर को देखना होता है ना कि अपनी शेडिंग को। ठीक है, तो शेड करने का मतलब जो है जो शेड आ रहा होता है फाइनल वो आपका आंसर होता है। ठीक है, वो इस तरफ भी हो सकता है इस तरफ भी शेडिंग हो सकती है, लेकिन वो आपने जहन में रखना है कि वो जो आपका आंसर होगा वो शेड हो रहा हो। ठीक है, शेडिंग डिफरेंट भी हो सकती है, लेफ्ट हैंड साइड पे शेडिंग एक जैसी हो सकती है, राइट हैंड साइड पे शेडिंग एक जैसी हो सकती है। ठीक है, तो उस लिहाज से जो है आपने काम करना है, ज़रूरी नहीं है कि लेफ्ट हैंड साइड पे जिस तरह की शेडिंग आई है राइट हैंड साइड पे भी वैसे ही आए। बेसिकली जो शेड हो रही होती है वो हमारे पास वो रीजन हो रहा होता है जहाँ भी हमारा आंसर आ रहा हो। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास ए यूनियन बी। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ डायग्राम्स दिए हैं, उसमें आपको नीचे बता दिया है उस कंडीशन के मुताबिक आपने उसको जो है शेड देना है। मैंने यहाँ पे शेड दिए हैं उसको, तो देखें ये कैसे होंगे शेड। तो ए यूनियन बी है तो ए और बी दोनों जो है दोनों के दोनों सेट आपके पास क्या हो जाएंगे शेड हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह दूसरा जो है यू यूनियन है, यू का ए के साथ यूनियन ले रहे हैं, अब यूनिवर्सल सेट का ए के साथ ले रहे हैं आप,
क्या यूनियन, तो यूनिवर्सल सेट और ए के एलिमेंट्स मिल जाएंगे, यानी कि यू और ए कंबाइन हो जाएंगे तो यू भी शेड होगा और ए भी शेड होगा। तो जब भी बेटा यूनियन की बात आनी है, जितने सेट्स का भी यूनियन हो, एक हो, दो हो, तीन हो, वो सारे के सारे सेट क्या होंगे, शेड होंगे, क्योंकि आंसर उन सब के एलिमेंट्स को मिला के हमारा बनना है, ठीक है जी। इसके अलावा ए यूनियन ए, तो ए का ए के साथ यूनियन लेंगे तो आंसर में क्या आएगा, ए, ठीक है। ए वन टू थ्री का यूनियन लेंगे, वन टू थ्री के साथ आंसर क्या आ जाएगा, वन टू थ्री। तो इसी तरह जो है यहाँ पे शेड क्या होगा, जस्ट ए वाला पोर्शन शेड होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें, ए इंटरसेक्शन बी है, तो अब देखें जो अब बी है ए के अंदर बनाया गया है, इसका क्या मकसद है, इसका मतलब ये है कि बी ए का क्या है, सबसेट है, बी सारे का सारा ए के अंदर मौजूद है, यानी बी सारे का सारा ए के साथ कॉमन है, जो बी के एलिमेंट्स हैं सारे के सारे वो ए में भी हैं, तो जब इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर क्या आएगा, बी, तो शेड क्या होगा, जस्ट बी ही शेड होगा, ठीक है। और यूनिवर्सल सेट का ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ए जो है अब देखिए सारे का सारा यूनिवर्सल सेट में मौजूद है। यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जिसमें ज़ेरे बहस तमाम सेट्स क्या होते हैं, उनके एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये सारे का सारा सेट यू के अंदर मौजूद होगा, इसलिए जस्ट जब आप कॉमन एलिमेंट्स देखेंगे तो वो कॉमन कौन से होंगे, जो ए में हैं। ए के अलावा कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं यूनिवर्सल सेट के जो ए के साथ कॉमन ना हो, वो यहाँ पे लिखेंगे, ए के एलिमेंट्स यहाँ लिखेंगे, और जस्ट शेड क्या होगा, आपके पास ए वाला सेट होगा, क्योंकि ए यूनिवर्सल सेट का बेसिकली क्या है, सबसेट है। तो इंटरसेक्शन में जस्ट ए को आपने शेड करना है, क्योंकि ए के कुछ एलिमेंट्स ही होंगे जो यूनिवर्सल सेट में मौजूद होंगे, सारे के सारे नहीं भी हो सकते, हो भी सकते हैं लेकिन यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो इसलिए हमने जस्ट ए को शेड किया है। इसके बाद आ जाता है ए इंटरसेक्शन, ए का ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, यानी वन टू थ्री सेट है अगर आपके पास ए, उसको फिर वन टू थ्री के साथ ही उसको क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, तो दोनों में वन टू थ्री है तो आंसर में क्या आ जाएगा, वन टू थ्री, इसका मतलब ए का ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर में अगेन क्या आ जाएगा, ए, तो शेड क्या होगा आपके पास, जस्ट ए शेड होगा। जो आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर थ्री है उसको आपने जो है नहीं करना फिलहाल, उसको छोड़ देना है, ठीक है। वो मैंने वैसे आपको पहले करवाया हुआ है सारा ही, वो काफ़ी लेंथी है इसलिए मैं यहाँ पे नहीं करवा रहा। और जो क्वेश्चन नंबर फोर है वो आपने जो है डायग्राम्स आपके पास जो है बेटा बनी हुई है, वो आपने खुद उनको जो है शेड देना है, डू योर सेल्फ, वो आपने खुद उनको शेड देना है। जस्ट क्वेश्चन नंबर जो फोर है उसमें आपने डायग्राम्स आपके पास बनी होंगी, जस्ट आपने उसको जो है गिवन कंडीशन के मुताबिक शेड दे देना है, ठीक है जी। ये आपका जो है आज का काम है, इसको आपने करना है। अगर किसी बात में जो है आपको मुश्किल पेश आए तो मेरे साथ उसको लाजमी शेयर करना है। शुक्रिया।